tanmann.org पर हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए और इस बारे में आयुर्वेद क्या सलाह देता है। दुबला पतला और कमजोर होने की वजह से कई बार प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शुरुआत में पहचान बनाने या फिर अवसर प्राप्त करने में नाकाम रह जाते हैं। बॉडी बनाने के लिए ऐसा हो आपका खान पान। शाकाहारियों के लिए ओट्स, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन और फाइबर की इसमें प्रचुरता होती है। इन सब का इनमें उचित मात्रा में मिश्रण होता है। शरीर में अपचय की क्रिया को ये बढ़ाते हैं। जब आप इसे खाते हैं तो ये शरीर में वसा को नहीं जमने देता है और मांसपेशियों को बढ़ाने में सहायक होता है। बादाम, इसमें एमिनो एसिड की प्रचुरता होती है जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। पनीर, इसमें वसा बिल्कुल भी नहीं होती। प्रोटीन इसमें बहुत होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और विटामिन B12 होने से कमजोर हड्डियां भी मजबूत बनती हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन दूध से प्राप्त होता है, इसलिए मांसपेशियों को बनाने की चाहत रखने वालों को इसे जरूर खाना चाहिए। ब्रोकली, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, क्रोमियम, कैल्शियम और विटामिन ए एवं सी इसमें खूब पाए जाते हैं। विटामिन सी कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कायम रखते हैं। केला, इसे खाने से एक तो प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ती है, ऊपर से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होती है। औसतन 105 कैलोरी इसमें मिलती है जिससे शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है और कमजोरी महसूस नहीं होती। जैसे कि आप व्यायाम करके थक गए हैं तो इसके बाद एक केला खा लेने से आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे कि आपको ताकत मिलने लगती है। हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियों एवं पालक में एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में होने से भारी व्यायाम के बाद जो मांसपेशियों को आराम की जरूरत होती है वो इससे मिलता है। शकरकंद, इसमें कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से इसे खाने से वर्कआउट करने के लिए स्टैमिना मिलता है। पीनट बटर, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट इसमें खूब होते हैं। यदि आप एक बार पीनट बटर खाते हैं तो आपके शरीर को 3 ग्राम विटामिन ई यानी कि एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है जिससे मिलने वाले मैग्नीशियम से आपकी हड्डियां और मांसपेशियां रिकवर हो पाती हैं। ग्रीन टी, शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को जन्म देकर ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और बीमारियों को भी आसपास फटकने नहीं देता है। अलसी, इसमें 20% जरूरी एमिनो एसिड के साथ प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। अलसी से शरीर की मांसपेशियों को बड़ी ताकत मिलती है। मांसाहारियों के लिए, हालांकि www.tanmann.org शाकाहार को बढ़ावा देता है और मांसाहार को हतोत्साहित करता है, लेकिन खानपान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तकाजे से अगर आप मांसाहार पसंद करते हैं तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए ये दो आहार आपके लिए बड़े काम के हो सकते हैं। अंडे, अंडे को अच्छी बॉडी बनाने के लिए काफी बढ़िया माना जाता है क्योंकि इसके सफेद हिस्से में 84% हिस्सा प्रोटीन का होता है। वसा की मात्रा तो इसमें एकदम शून्य होती है। हाँ, ध्यान रखें कि अंडे को हमेशा उबाल कर ही खाना चाहिए। अच्छी बॉडी बनाने के लिए रोजाना आपको 5 से 6 अंडे खाने चाहिए। मछली, मांसपेशियों के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका होती है, शरीर से वसा को भी ये निकालती हैं। मोनोसैचुरेटेड फैट जिसकी जरूरत मांसपेशियों की वृद्धि में होती है वो मछलियों में पाया जाता है। दरअसल जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो शरीर की सारी वसा तो बाहर निकल जाती है, इस स्थिति में मोनोसैचुरेटेड फैट के शरीर में होने से ऊर्जा बढ़ती है। बॉडी बनाते वक्त बरते ये सावधानियाँ, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, समय से सोना और समय से जागना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्कआउट को इसके लिए अच्छा माना जाता है लेकिन इसे उचित मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। वर्कआउट करते हुए एकदम से भारी वजन उठाना शुरू नहीं करना चाहिए, इससे हड्डियां या मांसपेशियां घायल हो सकती हैं। इसे ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। जितना वजन उठाने की सलाह आपको दी जा रही है उतना ही वजन उठाना सही है। खाली पेट वर्कआउट ना करें, इससे उल्टी होने की आशंका बढ़ती है, शरीर पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। हल्का खाकर ही वर्कआउट करना उचित है। हल्का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्स आहार लेना चाहिए, जैसे कि सेब, शकरकंद, ओट्स, दलिया आदि वर्कआउट से पहले खा सकते हैं। वर्कआउट के बाद प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। दूध, दही, मछलियाँ और चिकन इसके लिए खा सकते हैं। यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो सुबह से शाम तक आपको हर 2 से 2.5 घंटे पर कुछ खाते रहना चाहिए। ध्यान रखें कि हर डाइट में प्रोटीन का शामिल होना जरूरी है। किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के सेवन से दूर रहें। बॉडी बनाने के आयुर्वेदिक तरीके, रोजाना आपको अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। आप ऐसा खुद भी कर सकते हैं और किसी से करवा सकते हैं। तिल के तेल या सरसों के तेल से मसाज कर सकते हैं। व्यायाम तो आपको करना ही होगा, साथ में योग भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा प्राणायाम से भी लाभ मिलते हैं। अश्वगंधा नामक आयुर्वेदिक औषधि का सेवन मददगार साबित हो सकता है।
क्योंकि इससे पोषक तत्व और खनिज मिलते हैं और साथ में शरीर का वजन भी इससे बढ़ता है। सहन शक्ति को भी ये बढ़ाता है और शरीर को ताकत देता है। अश्वगंधा पाक नामक औषधि बॉडी को फूलने में मदद करती है। शतावरी नामक जड़ी बूटी में एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा विटामिन के, ई, सी एवं ए, क्रोमियम भी इसमें होता है, जिससे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत हो जाती है और इसमें एमिनो एसिड होने से शरीर में नमक व पानी का अवशोषण ठीक तरीके से हो पाता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि कोई भी दवा या जड़ी बूटी अपने मन से ना लें। किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको आपके शरीर और स्वास्थ्य की परिस्थितियों के हिसाब से दवा बताते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद और जरूरत का वीडियो लेकर आ सकें। तब तक हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।